एक आईपीस दिया है, हमने उसे एक दूसरे एक सिरे पर फिट कर दिया है। फिर हमने हमने एक पीवीसी पाइप ली जिसका जिसका डायमीटर 1.5 इंच है। फिर हमने एक ऑब्जेक्टिव डबल कन्वेक्स लेंस लिया है, एक ऑब्जेक्टिव डबल कन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ 700 mm है और डायमीटर 50 mm है। फिर हम इसको इसको एक छोटे सिरे पर फिट कर देंगे। ध्यान रहे कि जो जो ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस की फोकल जो ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस की ध्यान रहे कि पतली लेयर बाहर की तरफ हो और मोटी लेयर अंदर की तरफ हो। इसके बाद हम क्या आप लोगों को पता है कि दुनिया की सबसे पहली दूरबीन कब बनाई गई थी? वो दूरबीन 1608 में हैंसी पैरसी और चाची और जॉनसन ने बनाई थी, जो मोटाइन के रहने वाले थे और आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन गैलीलियो ने 1610 में बनाई थी और उसका नामकरण 1611 में किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप 1990 में बनाई गई थी, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से भाग देना होगा। इसकी पावर निकालने के लिए जो ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस की पावर थी 700 mm और जो आईपीस की पावर थी 10 mm, उसको डिवाइड कर देना होगा तो 70x पावर आ जाएगी। मेरा इसे बनाने का उद्देश्य यही था कि कुछ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में दूरबीन भी है तो बहुत कम पावर वाले होते हैं। मैंने इसे इसलिए बनाया है ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पढ़ाई में रुचि और वो दूसरे ग्रहों के बारे में जान सके। इसकी सहायता से मैंने चांद और शुक्र ग्रह को देखा है। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं।